मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हरम तैयबा चैनल की तरफ से एक अहम वीडियो कि यूट्यूब पे क्या आप वीडियोस बना के अर्निंग ले सकते हैं। यकीनन आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत से लोग यूट्यूब के जरिए अच्छी आमदन ले चुके हैं या और ले रहे हैं। मेरा आज का मौजू ये है कि एक न्यू यूट्यूबर जब यूट्यूब पे आए तो ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो वो बनाए तो बड़ी आसानी से अर्निंग्स कर सकता है। याद रखें, यूट्यूब की पॉलिसीज बड़ी सख्त हो गई हैं और यूट्यूब अब क्रिएटिव काम करने वालों को ही मौके देता है। क्रिएटिव काम से क्या मुराद है कि आपका अपना मटेरियल हो। अब वो दौर खत्म हो गए कि आप कॉपीराइटेड वीडियो लेंगे और कहें कि जी कामयाबी मिल जाएगी, तो वो बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात इतनी सी है कि अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं तो आप आसानी से यूट्यूब पे चैनल बना के अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब ये आपने देखना है कि आपकी सलाहियत क्या है। अगर आपको कुछ मिसालें देता हूं, मिसाल के तौर पे आपने कुछ परिंदे रखे हुए हैं, परिंदों के बारे में आपको इल्म है, या आपने कोई मुर्गियां रखी हुई हैं, असील हैं, फैंसी हैं, किसी किस्म की हैं, आप उन पे वीडियोस बना सकते हैं। आप जहां से उन्हें खरीदते हैं उनके इंटरव्यूज दे सकते हैं, उनसे बातचीत करके वीडियोस बना सकते हैं। ये एक आइडिया है छोटा सा कि आप कैसे यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं। आप एक आलम दीन हैं तो अपनी इल्म के मुताबिक, जो कुरान पाक का इल्म है आपके पास, जो फिक्का का इल्म है आपके पास, जो अहदीस का इल्म है आपके पास, उनके बारे में आप वीडियोस दे सकते हैं, दरसो तबलीग की वीडियोस दे सकते हैं। अगर आप महारत रखते हैं नात पढ़ने में तो आप अपनी ही नातें रिकॉर्ड करके वो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं अपना चैनल बना के। नाज़रीन, अगर आप एक टीचर हैं, कोई शख्स टीचर है, उस्ताद है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो नोट्स बना के मुख्तलिफ लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार करके यूट्यूब चैनल पे दे सकते हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं इन चीजों को। आप अच्छा पेपर बना सकते हैं, पेपर के सैंपल्स आप दे सकते हैं, आप गेस पेपर्स दे सकते हैं। इतने आइडियाज हैं, इतने आइडियाज हैं। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की आपको नॉलेज है, सॉकर की आपको नॉलेज है, किसी और खेल की आपको नॉलेज है, उसके बारे में आप वीडियोस बना के दे सकते हैं। आप एक अच्छे कंपेयर हैं तो आप कंपेयरिंग के लेक्चर्स दे सकते हैं। आपकी आवाज अच्छी है, आपको शेर व शायरी का शौक है, आप इस बारे में मुख्तलिफ वीडियोस बना के दे सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। आप अच्छी कोट्स, गोल्डन वर्ड्स, इस तरह की वीडियोस दे सकते हैं। इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, वक्त कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इतने टॉपिक्स हैं कि अगर हम उन्हें यहां जेरे बहस लाना चाहें तो अहाता मुमकिन नहीं है। इस वक्त यूट्यूबर्स दो दो तीन तीन चार चार चैनल्स पे काम कर रहे हैं और वो अच्छे चैनल उनके ग्रो कर रहे हैं। एक चैनल आपका कामयाब हो जाए, दूसरा खुद बहुत कामयाब होता है क्योंकि यूट्यूब पे आप एक नाम बन जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा एक और हिंट जो आपको दूं, आप खुद कैमरे के सामने अगर आते हैं तो ज्यादा जल्दी चैनल ग्रो करता है, लेकिन अगर आप शाय करते हैं, शर्माते हैं, तो आप कैमरे के सामने आए बगैर भी वीडियोस बना सकते हैं। जैसे वॉइस ओवर वीडियोस हैं, पोएट्री की वीडियो हैं, शेर व शायरी की वीडियो हैं, आप शायरी पढ़ें और बैकग्राउंड में पिक्चर्स ग्राफिक्स लगा के वीडियो तैयार कर लें, अपलोड कर लें। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, काइन मास्टर मोबाइल पे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आसान सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में कैमटीशिया है, एडोब प्रीमियर प्रो है, फिल्मोरा है, अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, आसानी से आप वीडियोस बना सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखें, क्रिएट करें और काम करें। एक बार आपका चैनल ग्रो कर गया, साल छह महीने की मेहनत है, एक बार ग्रो कर गए आप,
इंशाल्लाह अर्निंग भी होंगी। अगर अर्निंग्स नहीं भी होते तो देखें आपको एक जेस्चर मिलता है, आपको लोग जानते हैं हाँ भाई इस बंदे की कोई शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, ये बड़ी वर्किंग कर रहा है। तो ये यूट्यूब हमें हाईलाइट करता है हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को, जो हमें खसूसी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक आखिरी बात आज की वीडियो की, इसी तरह के आपके बहुत से लेक्चर आपके लिए मजीद भी दूंगा, एक आखिरी बात आज की, और वो सिर्फ इतनी सी है, कॉपी ना करें, लोगों की वीडियोज ना चलाएं, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 2 माह 4 माह किसी वक्त भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, आपका चैनल भी बंद हो सकता है। मेहनत करें, अपने काम पे मेहनत करें, अपनी क्रिएटिविटी लाएं। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यंग लड़के काम कर रहे हैं और इस वक्त अच्छी खासी अर्निंग्स ले रहे हैं। फिर आपसे कहूंगा अपना काम करें, लोगों का डाटा ना उठाएं, लोगों को कॉपी ना करें, उसका कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब के टूल्स ऐसे हैं फौरन वीडियो हाईलाइट हो जाती है कि ये डाटा जो है दूसरी वीडियो से लिया गया है। अब तो ये पोजीशन है कि आप एक किसी भी जगह पे जाते हैं, एक मसलन म्यूजिक ही लगा हुआ है और आप वो वीडियो कैप्चर करते हैं, वो म्यूजिक क्योंकि कॉपीराइटेड है, आप अगर वो कंटेंट देंगे उस म्यूजिक पे कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए अब प्योर अपने काम पे ही आप यूट्यूब पे कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है आज की ये बातें आपके काम आएंगी और आप यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी तमाम अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।